सबसे पहले। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, शुगर पाकिस्तान में क्या पूरी में एक जरूरत है, आटा है, चीनी है, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान में माफिया दार माफिया, ये जो मैं समझता हूँ रिजक है, तो अल्लाह ताला की नाम है, इसको भी जखीरा अंदोजी से अल्लाह ने मना किया है, लेकिन इतना ये मजबूत कार्टर और माफिया है कि ये हुकूमतों को भी मैं समझता हूँ कि इन्होंने चक्कर चक्कर दिया हुआ है। राना जाहिद साहब जी जी असल मौजूद है ना आप? जी जी राना साहब, ये जो शुगर मिल्स एसोसिएशन आप देख रहे हैं कि आप भी मुतासरीन है, आप भी मुतासर, पाकिस्तान हर आदमी मुतासर है कि जी वही जी। यानी काश्तकारों से गन्ना खरीद के उनको पेमेंट भी ना करके और जो आपके सामने दो दो तीन तीन साल ये पैसे ही नहीं देते, उनका कटौती कैसे करते हैं, चलो सारे पैसे दे भी दें तो फिर भी 54 रुपए इनको किलो चीनी पड़ती है। फिर यह है कि इन्होंने चीनी के यानी पिछले दिनों में एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, फिर इन्होंने अपने तौर पर कार्टन बना के अरबों रुपया कमाया, जिसकी आपने देखा कि कमीशन बना था, कमीशन पर फिर इन्होंने स्टे ले लिया। भाई जब ऑल द रूल आर मेड फॉर द पीपल है कि इंसानों के लिए जो इंतजामिया है हुकूमत वो कोशिश अगर को करती है, तो शुगर मिल एसोसिएशन इतनी ताकतवर है कि पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से स्टे लिया, फिर कुछ दिन बाद जज साहब ने कहा, मैंने वो रात को पढ़ा है कि ये तो गलत है, उन्होंने मेहरबानी की स्टे खारिज कर दिया, लेकिन फिर रिवीजन हो गई, सिंध हाईकोर्ट अलहदा स्टे हो गया, बलोचिस्तान में अलहदा वो गए हुए हैं, लाहौर अलहदा, सुप्रीम कोर्ट ने कल हुकूमती इस्तेदा मुस्तरद कर दी कि सिंध हाईकोर्ट के फैसले को हम अभी नहीं छेड़ सकते क्योंकि आप इंतजामिया जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते। क्या कहें, क्या गोरखधंधा है, कानून क्या कहता है? उसमें मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ये जेहन में रखे, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने फारिग नहीं किया, अभी जेरे समाप्त है, इसमें नेक्स्ट डेट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो बड़े मोहतात होकर इस पर हमें गुफ्तगू करनी होगी। इसमें जो बेसिकली वो टेक्निकल इश्यू जो है ना जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आ रही है। टेक्निकल ये हम समझना चाहते हैं, जाहिर है हम तो सब ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ दो लफ्जों में आपको समझा देता हूँ, ये बड़ा कोई इतना कोई मसला फीसा गौरस नहीं है। जो इस्लामाबाद के अंदर गए हैं ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में गए हैं, ये शुगर मिल एसोसिएशन गई है वहां पे। अच्छा, उन्होंने वहां पे स्टे लिया, जिस तरह भी 10 दिन का स्टे चला, उसके बाद वो स्टे वकेट हो गया, उन्होंने गवर्नमेंट को कह दिया या गवर्नमेंट के अदारों को कह दिया, जो कमीशन के अंदर रिकमेंडेशन है उसमें नैब FI एक्सेट्रा जो भी है, बाकी सारे FBR दे कैन प्रोसीड, 5 अदारे इन्वॉल्व है जिनको रिकमेंड किया कि आप इस पे एक्शन लें, ठीक है ना जी। अब हुआ यह है कि इसके बाद वही वकील साहब जो हैं उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में ये शुगर मिल्स एसोसिएशन की बजाय कुछ लोगों ने जाती पर्सनल अपनी कैपेसिटी में वहां पे पिटीशन दायर की है। अच्छा, जिस तरह इकबाल शायद अपनी पिटीशन जाती हैसियत में दायर कर दे, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ना दायर करें, तो वहां पर टेक्निकली ये इशू जो सुप्रीम कोर्ट में आया कि जी वो वहां पे शुगर मिल एसोसिएशन ने केस दायर किया था, रिट दायर की थी, और यहाँ पे कुछ लोगों ने जाती हसीद में दायर किया है और कानून इसकी इजाजत देता है। हाँ। तो लिहाजा सिंध हाई कोर्ट ने उसको एंटरटेन किया है। सर एक सवाल इसी हवाले से मेरा भी है, मेरे मुझे अंदेशा है जिसकी आप यकीनन तरदीद करेंगे या मैं नहीं समझता कि उसकी तायद करेंगे, लेकिन मेरे अंदर एक अंदेशा पल रहा है कि ये जो शुगर मिल्स एसोसिएशन हो या लोगों का इनफरादी तौर पर अदालतों में जाना हो, क्या इसके पीछे आशीर्वाद हासिल हो सकता है हुकूमत का इनको? मेरा ख्याल है कि हुकूमत की शायद ये एक कनोटेशन आप कह सकते हैं, लेकिन जो अभी तक इसको कोई मतलब कोई मैं समझता हूँ कोई मटीरियलाइज बात नहीं है, ये एक टैक्टस होते हैं ताकि चीजों को प्रोलॉन्ग किया जाए, जिनको खतरा हो कि जनाब ये अभी मामला आगे चलेगा तो कोई ना कुछ चीजें जो है वो आवाम के सामने आएगी, किस तरीके से कार्टलाइजेशन के जरिए मुल्क को इस तमाम कानूनी जो प्रोसीडिंग है इसमें क्या कोई 1% भी इम्कान ऐसा है कि इन फ्यूचर जहांगीर तरीन साहब जो है वो बरीउज़्ज़ुमा हो जाए? देखें जी, बात यह जो कमीशन की रिपोर्ट है दैट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ये बात एक बुनियादी जेन में आप रखें। मैं हमने तो कानूनी नुक्ता पूछना ना,
मैं यो किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की वो सब मुतबादल नहीं है। अब जब लैब ने तफ्तीश करनी है तो वो तफ्तीश होगी, मटेरियल उनके सामने आ चुका है। हुकूमत कह रही है कि हम इसकी जो इंक्वायरी हुई थी वो ये दोबारा कराना चाह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो इंक्वायरी ही कन्फ्रंट करेंगे नैब के अंदर, वो इंक्वायरी कन्फ्रंट होगी एफआईए के अंदर, वो इंक्वायरी कन्फ्रंट होगी एफबीआर के अंदर, कॉम्पिटिटिव कमीशन के अंदर, वो तमाम फोरम जो पांच के पांच जिनको उन्होंने इन्वॉल्व किया है ना जी, इसकी इंक्वायरी कन्फ्रंट होगी तो इसका क्या मतलब है? इंक्वायरी कन्फ्रंट ये जो उन्होंने एक फार्मूलेट की है ना इनके खिलाफ एलिगेशन कि ये चीजें प्रामा फिशी साबित हो गई है, इसके बारे में वो कहेंगे जनाब ये आपके राणा साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी। आपने जहांगीर तरीन की बात की तो बस फिर आपने जो यूटिलिटी स्टोर भूल गए, वजह ये हुई कि पिछले दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि पब्लिक को जो चीनी है वो 70 रुपए दी जाए, उसको 60 यानी उन्होंने बताया कि दी जाए सर टन, बात पूरी सुन लेना, पूरी बात सुन लें, पूरी बात सुन लें, 60,000 टन दी जाए। अब ये है कि यूटिलिटी स्टोर ने इससे पहले टेंडरिंग की थी, उन्होंने 78 रुपए खरीदी, जब ये उनका मौकफ आया कि भाई आप लोग 70 रुपए चीनी को, उन्होंने बयान दिया शुगर मिल एसोसिएशन इतनी वो ताकतवर है कि हम कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए 70 रुपए नहीं दे सकते, हम आवाम को दे सकते हैं। उन्होंने कई जगह पर छोटे छोटे यानी अड्डे भी अपने बनाए लोगों को देने के लिए, वो चूंकि 15 दिन में पेपरा रूल के तहत, यानी सब ये चक्कर है, सब ये फ्रॉड है, सब ये जिस तरह अदालतों में जिस तरह राणा साहब बता रहे थे, कभी एसोसिएशन के पीछे छुप के, कभी इंडिविजुअल, कभी सिंध के ग्रोअर, इस तरह का काम करके, बल्कि जहांगीर तरीन की बात को बाप बताता हूँ, उन्होंने 67 रुपीज पर किलो उन्होंने यूटिलिटी स्टोर को चीनी दी। और ये करें बात टेंडर की, बात बाप कह रहे हैं कि पहले भी हमारी जाती हैसियत में भी इस पर बात होना चाहिए। तो आपने कहा कि मैंने आज तक जितने भी टेंडर्स के इश्तहार पढ़े हैं, ऐसे ही कभी कोई टेंडर है तो ऐसे ही बिला वजह पढ़ लिया है, तो एक चीज हर टेंडर में लिखी होती है कि अगर किसी एक कंपनी का पार्टी का टेंडर मंजूर हो जाता है, बाकियों का कैंसिल हो जाते हैं, तो वो मंजूर शुदा टेंडर भी कैंसिल हो सकता है। वो तो बारी नहीं आई थी, पेपर रूल में 15 दिन की गुंजाइश ही नहीं थी। तो हम अगले मौजू की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इसके बाद हम आएंगे जो इतना अंदोनाक वाकया हुआ है, हादसा हुआ है रेलवे का, पाकिस्तान के हादसों की सरजमीन बनती जा रही है, वो सिख यात्री बेचारे यहाँ इबादत करके ननकाना से वापस पेशावर जा रहे थे, वहाँ में देखा कि ट्रेन के नीचे जो फ्लाइंग हो जाए उसमें वो अपनी जान की बाजी हार गए, इस समय बात करेंगे आफ्टर शार्ट में, हमारे साथ रहिएगा।